प्रदेश के सोनभद्र के रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र के धर्मादासपुर गांव में अवैध शराब पकड़ने गई पुलिस टीम पर लोगों ने कमरा बंद कर हमला बोल दिया। घटना रविवार की शाम की है। मामले में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया। रामपुर बरकोनिया थाना अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि धर्मदासपुर गांव में मारपीट हो रही है। इस पर थाना अध्यक्ष वर्मा अपने हमराइयों के साथ मौके पर जाकर झगड़े का निपटारा कर लौट रहे थे कि मुखबिरों से सूचना मिली कि गांव में ही जमुना धांगर के घर में अवैध शराब बनाई जा रही थी। सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर घर में शराब पकड़ने के लिए घुसी ही थी कि आरोपी के घर के लोगों ने थाना अध्यक्ष सहित सभी को अंदर से बंद कर लिया और हाथापाई करने लगे। मौका पाकर थाना अध्यक्ष वर्मा ने इसकी सूचना सीओ अभिनव यादव को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे सीओ ने सभी को मुक्त कराकर आरोपी जमुना धांगर, राम नगीना धांगर, राम नरेश व कुंती को चाकू, कुल्हाड़ी, एक अद्दर, 12 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस और 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत कर चालान कर दिया है। जनपद सोनभद्र के थाना रामपुर बरकोनिया अंतर्गत ग्राम धर्मदासपुर में जमीनी विवाद के प्रकरण में दो पक्ष आपस में लाठी डंडों से मारपीट कर रहे थे, जिस सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर शांति व्यवस्था कायम कराई गई और मौके से ही दो गिरफ्तारियां की गई। इस संबंध में दो अभियोग पंजीकृत किए जा चुके हैं जिनकी नियमानुसार विवेचना की जा रही है। सोनभद्र से सत्यपाल की एक रिपोर्ट।